अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे। निमरा का वालिद अहमद एक रिवायती और सख्त आदमी थे। वो असद के साथ इसके ताल्लुकात को नापसंद करते थे। वो असद की दौलत और हैसियत को इनके मामूली ज़िंदगी के लिए ख़तरा समझते थे। अहमद इसरार करते थे कि निमरा अपनी तालीम पर तवज्जो दे और इनके मुंतखब करदा शख्स से शादी करें, ना कि किसी अमीर कारोबारी से। निमरा ने अपने वालिद को समझाने की कोशिश की, असद की मेहरबानी और इसके पन के हमायत को बयान किया, लेकिन अहमद ना माने। उन्होंने इसे दोबारा असद से मिलने से मना कर दिया और उसे ख़बरदार किया कि मुख्तलिफ दुनिया के किसी शख्स से मोहब्बत करने के खतरात क्या है। असद को भी अपनी फैमिली की मुखालिफत का सामना था। इसकी माँ सूफिया निमरा को इनकी समाजी मरतबे के लिए नामुनासिब समझती थी। इसने असद पर दबाव डाला कि वह अपने तबके की किसी औरत से शादी करे जो कि गरीब ना हो। असद और निमरा खुफिया तौर पर मिलते रहे। इनकी मोहब्बत मजीद बढ़ती गई, लेकिन इनके खानदानों की नापसंदगी का बोझ उन पर लटकता रहा, जो उन्हें अलग करने की धमकी देता था। एक दिन अहमद को निमरा को असद के साथ खुफिया मुलाकातों का पता चल गया। वो शदीद गुस्से में था और निमरा को खबरदार किया कि अगर इसने असद से मिलना जारी रखा वो इनके खानदानों के लिए शर्मिंदगी का बास बनेगी। निमरा अपने ख़ानदान से वफादारी और असद के लिए अपनी मोहब्बत के दरमियान फंस गई। जैसे ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है, निमरा एक मुश्किल फैसला करती है जो इनकी ज़िंदगी के रुख हमेशा लिखे बदल देगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।